शिक्षक समाज की नींव होता है और जो भी समाज की भलाई के लिए काम करता है उसका सम्मान होना चाहिए, ये कहना है हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया का, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव समालखी में संत गुरु रविदास जी के 645वें जन्म महोत्सव और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शिक्षक ही हैं जो मनुष्य की नींव बनाते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं, इसलिए शिक्षक का सम्मान करना आत्मा की तृप्ति और संतुष्टि होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बेटियों को कैसे सशक्त करना है इसको लेकर नसीहत दी। क्या कुछ कहा उन्होंने वो आप भी सुनिए। मुझे ऐसे लगता है कि शिक्षक ऐसा शब्द है जो आत्मा से सम्मानित होना चाहिए, और शिक्षकों के बिना आपका जीवन अधूरा है, या मैं कहूँगी बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि शिक्षक ऐसे लोग होते हैं जो आपकी नींव बनाते हैं, आपको मजबूत करते हैं, आपको जीवन की धारा सिखाते हैं। तो इसीलिए शिक्षकों का सम्मान करना एक आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए। मैं आज भी जहाँ जाती हूँ अपने उन टीचर्स से ज़रूर मिलती हूँ जिनसे मैंने ABCD भी सीखी है। तो सभी बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि अपने शिक्षक का सम्मान करें, आपको जो शिक्षा दे भले ही वो आपका टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपको समाज से जोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जो आपको कोई शिक्षा देता है वो सम्मान्य है। मैं बेटियों को मजबूत होने की बात करती हूँ। जब हम कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा कैसी होगी, तो पहला नियम ये होना चाहिए कि हर बेटी को मजबूत करें, उसको वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे, उसको सियाना करें कि उसको जीवन में कैसे जीना है। किसी के आधार पर बार बार किसी के भरोसे पे जीने से कामयाबी नहीं मिलती, ये मैंने अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकली देखा है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी लड़कियों को बताती हूँ कि अगर अपने जीवन में कामयाब होना है तो खुद पर भरोसा करना सीखें, खुद को मजबूत करना सीखें। आप खुद को मजबूत करेंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के समाज के निर्माण और विकास के साथ लोगों को नई दिशा देने का कार्य करता है, और शिक्षकों के बिना समाज अधूरा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक आत्मा से सम्मानित होना चाहिए, आज के बच्चे भी शिक्षक का सम्मान करें। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी को मजबूत करें, बेटियों को प्रैक्टिकल ज्ञान दें, बेटियों को बताएं कि जीवन कैसे जीना है। उन्होंने कहा कि किसी के भरोसे पर जीने से जीवन में कामयाबी नहीं मिलती है, लड़कियों को प्रैक्टिकल जीवन जीना चाहिए ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वो आगे बढ़े, कामयाब बने। कुरुक्षेत्र से विनोद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।